Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. In figure, AB is equal to AC and D is a point in the interior of triangle ABC such that angle DBC is equal to angle DCB. Prove that AD bisect angle BAC. Now, मुझे इस equation में given है कि मेरा AB equal है AC के. Similarly, angle DBC एंगल डी बी सी, ये एंगल मेरा इक्वल है एंगल डी सी पी के. नाउ मुझे ये प्रूव करना है कि जो मेरा ए डी है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो मैं गिवन लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी. नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इसका. एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के. मीन्स ये वाला एंगल मेरा इसके एंगल के इक्वल है. अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड है, मीन्स जैसे एंगल डी सी बी के अपोजिट साइड है बी डी, ये इक्वल होगा एंगल डी बी सी के अपोजिट साइड है सी डी इसके. मीन्स मेरा बी डी इक्वल होगा सी डी के. मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज करूँगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ये मेरा, ये मेरी इसकी प्रॉपर्टी होगी. सो अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए पी टी एंड ट्राइंगल ए सी टी. यहाँ पे मेरे पास है बी डी इज इक्वल टू सी डी. अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दूं तो लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट. नाउ अब मैं बात करता हूँ सेकेंड साइड की. मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास क्वेश्चन में ही गिवन है. नाउ अब मैं बात करता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है. सो मेरे पास यहाँ से क्या मिला मुझे कि ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रेंट है. मीन्स ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी. कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस एस एस, साइड साइड साइड. इस प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एंगल वो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंटेड टू ट्राइंगल ए सी डी. नाउ अब मैं बात करता हूँ कि एंगल बी ए डी, ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी ए डी. क्यों? बाय सी पी सी टी. मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. मीन्स अगर दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे. और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी, ये एंगल ए को डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल ए है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एंगल बी ए डी के एंड एंगल सी ए डी. अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए डी डिवाइड्स एंगल ए इन टू इक्वल पार्ट्स. ए डी डिवाइड्स एंगल ए इन टू इक्वल पार्ट्स. सो
आंसर होगा मेरा AD डिवाइड्स एंगल ए इन टू इक्वल एंगल्स और AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।